एक बार एक आदमी था, वो बड़ा परेशान था अपनी जिंदगी से, काम नहीं हो रहा, घर में परेशानी, काम में परेशानी। उस तंग आकर चला गया सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में। जंगल में गया तो उसको एक स्वामी दिखे। उसने स्वामी को बताया कि मैं बड़ा परेशान था, देखिए और मैं जिंदगी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया, मैं और हैंडल नहीं कर सकता। तो उसको स्वामी जी ले गए एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने दो पौधे लगाए हुए थे। उन्होंने कहा कि देखो ये पौधा दिख रहा है इसको फर्न बोलते हैं, और ये पौधा दिख रहा है इसको बैम्बू बोलते हैं। ये चाइनीज बैम्बू है और ये फर्न है। मैंने दोनों पौधे साथ में लिए और मैंने इन पर साथ में पानी देना, इनको इनकी देख रेख करना शुरू किया। तो फर्न जो है वो फटाफट 2 महीने में फैलना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। और चाइनीज बैम्बू को मैं पानी देता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए पर इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आई। पहले तो मुझे लगा मैं उठाकर इसको फेंक दूं, कुछ बढ़ तो रहा नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पानी देता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पानी दे। इसे 4 साल बाद ये चाइनीज बैम्बू 2 महीने में 90 फीट बढ़ गया। तो उस आदमी ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, 2 महीने में 90 फीट कोई पौधा कैसे बढ़ सकता है। उसने कहा 4 साल जब मुझे दिख नहीं रहा था ना ये ग्रो कर रहा है, तब ये जमीन के अंदर जाकर गहरा और डीप हुए जा रहा था और अपनी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही लाइफ में होता है, बस जब हमें लगता है ना कुछ नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, हम सब छोड़ के जाने लगते हैं, हम ये चीज भूल जाते हैं। तो कुछ लोग फर्न की तरह नहीं होते, चाइनीज बैम्बू की तरह होते हैं। जब लगता है लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, एक्चुअली हर वो लेसन, हर वो प्रॉब्लम आपकी फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, आपकी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, ताकि तब हवा आंधी से आप गिर के टूट ना जाए। इसीलिए नेवर गिव अप।